फ्रेंड्स, एक बार फिर येदियुरप्पा जी जेल जा रहे हैं या गए हैं। गए तो इसी वजह से थे, एक दो दिन पहले भी गए थे वो, लेकिन जब पहले बार गए तो जाते ही आंखों में अंगारे और सीने में दर्द और आंखों में तूफान के साथ वो एक अस्पताल चले गए चेक करवाने के लिए। और उसके बाद एक अस्पताल में जब कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है, तो दूसरे अस्पताल में गए दूसरा मत लेने के लिए। ऐसी जेल यात्रा एवं ऐसी जेल प्रवास मैं समझता हूँ किस्मत वालों को ही मिलता है। आम आदमी नहीं, बड़े बड़े आदमी भी इस प्रकार की जेल यात्रा और जेल प्रवास की आकांक्षा रख सकते हैं, चाह रख सकते हैं। सुना है कि श्री अडवाणी जी जो एक रथ यात्रा कर रहे हैं, उनका बयान सुनकर गुस्से या आहत से ग्रस्त येदियुरप्पा जी ने निर्णय किया है कि वापस जेल जाएंगे। ये किस प्रकार की जेल यात्रा है, इस पर टिप्पणी बीजेपी करेगी, श्री अडवाणी करेंगे। क्या ये उसी प्रकार की 5-स्टार जेल यात्रा है जैसे कि अडवाणी जी की 5-स्टार रथ यात्रा है, इस पर भी टिप्पणी वही करेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि येदियुरप्पा जी ने भरसक प्रयत्न किया, भरसक कोशिश की कि वो जेल न जाएं, और इस हर प्रयत्न, इस हर कोशिश में बीजेपी ने बार बार उनका समर्थन किया। अंततोगत्वा जब ये नाटक सीमा से बाहर पहुंच गया तो उन्होंने हिरासत में जाने सरेंडर का एक और नाटक किया, और वो नाटक सिर्फ नाटक इसलिए था कि हिरासत से जाने से पहले ही वो अस्पताल पहुंच गए। क्या बीजेपी वास्तव में चाहती है कि इस देश का आम आदमी, आप और हम, इस बात को माने कि बीजेपी सत्तारूढ़ प्रदेश में श्री येदियुरप्पा को जो कानून के तहत दंड मिला है या हिरासत का आदेश हुआ है, वो वास्तव में हिरासत है? क्या बीजेपी चाहती है कि हम माने कि जहां पूरा कैबिनेट उनका स्वागत करने के लिए कतार में खड़ा है जेल में, तो क्या उनके साथ बराबरी का सलूक होगा? क्या बीजेपी चाहती है कि हम माने सभी के जहां मुख्यमंत्री स्वयं उनसे बार बार मिलने जाते हैं, उनसे आदेश लेते हैं, तो वहां उनका आम आदमी की तरह सलूक होगा? क्या बीजेपी समझती है कि पूरा देश ये माने कि उस प्रदेश की पुलिस अपना काम किसी तौर तरीके से बिना भय पक्षपात के कर सकती है? जब जेल के मंत्री महोदय उनका स्वागत करते हैं, चाय पिलाते हैं उनको, और उन्हीं जेल के मंत्री महोदय के विषय में श्री येदियुरप्पा गुस्सा कर देते हैं, उनको फटकार देते हैं, ये किस प्रकार का नाटक हो रहा है, कभी जेल यात्रा में, कभी रथ यात्रा में? When the whole government is standing on its toes and it is the incumbent government whose immediately prior chief minister is supposed to go to jail, can the BJP expect the country to believe the crocodile tears it is shedding on corruption? A person in respect of whom BJP, Shri Advani and the whole party strained every sinew till a few weeks ago to prevent him from even resigning, to stop his arrest. Today, a distinction without a difference is made. A difference without a distinction is made. That we believe in the rule of law, the law should go on, but we support him. And the support him means that the entire cabinet stands in one line to receive him in the jail. He is able to
scold the prisons minister in case the facilities are not up to the mark. He embarks on a jail yatra by going from one hospital to another. And it is believed that the police in that state will conduct their investigation, prosecution, proceedings, and so will the jail authorities without fear or favor, as they would for a common man. Certainly, only people with great good fortune can have such five-star jail yatras or five-star rath yatras. May a lot of us, whether VIPs or ordinary aam aadmis, we can only dream of such special preferential treatment in jail, and very few would refuse such special preferential treatment if this is the definition of jail in Karnataka as far as Yediyurappa is concerned. This is a very, very poignant comment on the hypocrisy of the BJP. It is, friends, an equally poignant and important comment on those others apart from BJP, whether ordinary people, other political parties or other organizations, NGOs, who selectively choose to keep silent on such issues. I repeat, selectively choose to keep silent on such issues, while constantly criticizing ruling parties like the Congress regarding corruption, whereas the fact of the matter is that on Thos Kadam, nobody has done more than Congress. It is and should be an eye-opening comment about the BJP's hypocritical approach to corruption. First spent 2.5 years to even allow the resignation of a person who ultimately goes screaming, shouting, kicking, hesitating at a date and time of his choice, determined by him, and thereafter enact the farce of avoidance of arrest, then the bigger drama of surrender, and then the further biggest drama of surrender, meaning only trips from one jail to another hospital, to a third hospital, back to jail and back out. This is nothing but trying to fool the people of this nation, and it deserves to be either condemned or laughed at or both. Thank you. दो टिप्पणियां हैं. पहली बात तो जो आपने समराइज़ किया है श्री पवार के इंटरव्यू को, जो हमने भी पढ़ा है, वो गलत समरी है. नंबर दो, श्री हमने पहले से कई बार स्पष्ट किया है कि गठबंधन के हर घटक को ये स्वतंत्रता है कि वो अपना मत रखे. इसका मतलब नहीं है कि सामूहिक रूप से गठबंधन का बाकी सब घटक उस मत से सहमत है. मैं नहीं समझता कि उनकी टिप्पणी में कोई और टिप्पणी करने की आवश्यकता है. वी हैव ऑलवेज मेड इट क्लियर टू यू, नॉट ओनली नाउ बट अर्लियर, दैट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कोएलिशन हैज द डेमोक्रेटिक राइट टू हैव हिज और हर ओन व्यूज एंड टू एक्सप्रेस देम, एंड इट हैज नेवर मेंट एंड डज नॉट मीन दैट दोज व्यूज आर शेयर्ड और एंडोर्स्ड बाय एवरी अदर constituent of that coalition, namely the UPA. This applies generally, it is not Mr. Pawar specific, but it has always been the stand of the Congress party. Secondly, I don't agree with your summary of what he has said. Nothing. I got the text in front of me. I don't need to interpret it. The text is there for everybody to see. Yes. No, I don't. I read the text. कहते रहे हैं कि वो हद की अपनी सीमा में रहे. आज आपके सबसे सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि वो सीमा में रहकर ही काम कर रही है, तो या तो आप गलत थे या ये गलत.
उनने किस संदर्भ में कहा ये समझिए। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, हमने कभी भी उनके संवैधानिक संस्था और उनके स्टेटस पे कोई प्रश्न नहीं लगाया है, लेकिन हर संस्था राष्ट्रपति से लेकर छोटे से छोटे पीएन तक एक परिधि के अंतर्गत, एक बाउंड्री के अंतर्गत काम करती है और उस धर्म जो धर्म संबंधित है उस संस्था से या उस पद से ये उसका सबको पालन करना पड़ता है। इस विषय में हमने कहा है, जो कि जिससे हम जिस बात पे अभी भी खड़े हैं, कि नीति के मामले में कोई भी संवैधानिक संस्था सीएजी जैसी का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन उतना ही पुरजोर अधिकार क्षेत्र होता है ऐसे मामलों में जिसमें अकाउंट्स का मुद्दा होता है। स्टैंड में कोई हमारा बदलाव नहीं है।